नमस्ते, वेलकम बैक टू रेडी विद रेखा। और आज आपको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ द्वारका सेक्टर 10, जहाँ पर है इग्नू का रीजनल सेंट्रल रामफल चौक के पास। और वहाँ से की है मैंने अपनी MSW कंप्लीट, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जिससे मैंने ज्वाइन किया था 2015 में। और आज 2020 हो चुकी है, तो आप सोच रहे होंगे मास्टर्स करने में 5 साल लग गए। तो इसके पीछे एक प्रॉब्लम है कि मेरी मास्टर्स होने में मेरी वजह से ही टाइम ज़्यादा लगा है। ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गई थी या कुछ नहीं, इसका कारण ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय मेरा बेटा छोटा था, तो बीच बीच में कुछ ना कुछ, आपको पता है छोटा बच्चा होता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो फिर बच्चे की वजह से ही, बेटे की वजह से मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। कई बार एक या दो एग्ज़ाम छूट गया, उसको फिर मैंने नेक्स्ट ईयर दिया। उसके लिए मैंने री एग्ज़ाम के लिए जो री फीस होती है वो भी सबमिट किया। उसके बाद असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, असाइनमेंट्स जो थे स्टडी सेंटर से ही मिसप्लेस हो गए, फिर उनको दोबारा बनाया। फिर उसकी वजह से मुझे मैदानगढ़ी, जो साकेत में है दिल्ली के अंदर, वहाँ जाके उसको सर्च करना पड़ा कि क्या करें कैसे करें। फिर सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स में एक या दो एग्ज़ाम्स छूट गए, फिर उसको नेक्स्ट ईयर देना पड़ा। उसके बाद एक जर्नल बुक होती है जो हमें फील्ड के दौरान कंप्लीट करनी होती है। एक्चुअली MSW करने के लिए हमें क्या है, 5 NGO में विजिट करना पड़ता है। उसके बाद कोई एक NGO सेलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर हमें 45 डेज कंप्लीट वहाँ जाकर स्पेंड करने होते हैं। क्योंकि हमें पर डे वहाँ जाकर सीखना है कि NGOs के अंदर काम कैसे होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनसे डील कैसे करनी होती है, फ़ंड कहाँ से आता है, पब्लिक के साथ डीलिंग कैसे होती है, जो स्टाफ होता है उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझाने में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस तरह की सारी जानकारियां समझना सीखना होता है 45 डेज़ में। और पर डे हमें वो एक एक बात हमें अपनी जर्नल बुक के अंदर लिखनी होती है, किसके किन किन लोगों के साथ हमने काम किया, हम आज कहाँ गए, क्या प्रॉब्लम थी उनकी, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कितने दिन लगे, क्या टाइमिंग रही, सब कुछ उस जर्नल बुक के अंदर पर डे लिखना होता है। तो इस तरह से 45 पेजेस का एक पूरा रजिस्टर कंप्लीट करना होता है। अलग भी होती हैं कुछ और भी पेजेस होते हैं, जिसके अंदर फीडबैक्स होते हैं सुपरवाइज़र के, NGO के स्टाफ्स के, MSW के जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं उनके फीडबैक्स होते हैं। तो इस तरह से एक जर्नल तैयार करनी होती है। तो मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नल तो पूरी टाइम पर ही सबमिट हो गई थी, लेकिन सेकंड ईयर के जर्नल को सबमिट करने में लेट हो गए। तो फिर हमें कि री रजिस्ट्रेशन करना पड़ा मैदानगढ़ी जाके, और फिर वो बुक वहाँ सबमिट हुई है। अब मुझे लगता है कि टाइम पूरा हो चुका है, नंबर भी मैंने चेक कर लिए, दोनों ही ईयर्स के नंबर्स आ चुके हैं, अच्छे नंबर है। और जर्नल बुक के बारे में भी ठीक से पता नहीं चल रहा, एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से तो क्या हुआ कुछ वैसे पता नहीं चल रहा। तो आज मैं जाके देखती हूँ रामफल चौक इग्नू रीजनल सेंटर की, वहाँ अगर वहाँ का क्या स्टेटस है, वो मुझे क्या बताते हैं, मुझे मेरी डिग्री आज देते हैं या नहीं देते हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं। चलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने रीजनल सेंटर, जो मैंने आपको बताया था सेक्टर 10 में है ये रामफल चौक में। और यहाँ पर देखो लंबी लाइन लगी हुई है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, और मेरा नंबर कुछ ही समय में आ गया था, तो ये मैं अंदर आ गई। यहाँ डिग्री के लिए कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगा रखे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। और मेरी डिग्री का क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये हुई है, जो मेरे सुपरवाइज़र है फील्ड सुपरवाइज़र, उन्होंने मेरी बुक सबमिट ही नहीं की थी। अब उन्होंने 25 नवंबर को सबमिट की है, तो इनका कहना है कि आपको डिग्री जो है मार्च में मिलेगी। तो मैं अब यहाँ से मायूस होकर जा रही हूँ। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो इस तरह की संस्थाएँ होती है ना, यहाँ पर काम जो है बहुत ही स्लो होता है। मतलब आप अपना टाइम से कितना भी कर लो, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट है उसका आपकी उम्मीद से बहुत दूर ही मिलता है। क्योंकि मुझे तो 5 साल हो गए यहाँ पर चक्कर काटते हुए। तो जहाँ तक हो सके, अगर कोई भी इस तरह से स्टडी सेंटर इग्नू से कुछ करता है, तो प्लीज़ अपने सारे काम पूरे टाइम पर ही रखना, क्योंकि वैसे भी यहाँ तो लेट होता ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं मेट्रो के लिए निकल गई थी, तो मैंने दूसरी मेट्रो भी चेंज कर ली, और मैं अब दूसरी मेट्रो के लिए रुकी हुई हूँ। और क्या बताऊँ, चलो डिग्री का इंतज़ार करते हैं। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं आपको भी अपने साथ लाऊँगी, और आपको बताऊँगी कि डिग्री मिली कि नहीं मिली। बाय बाय। वीडियो कैसी लगे तो बताना, सब्सक्राइब।